Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 2nd, subject English. तो English में आज हम ऐसे कुछ different nouns, words है वो सीखेंगे. Okay? वो किस तरह के होते हैं, अपने first standard में आप थे तब भी आपको English में grammar में बोलने में भी आते थे और लिखने पे भी आते थे. Okay बेटा, तो आज हम उसको कुछ पिक्चर्स थ्रू उसको देखेंगे और उसको समझेंगे. तो आपको सीखना है ना, तो आप प्लीज़ रेडी हो जाइए. आप नोट और बुक, कोई भी बुक आपके पास हो वो ले लीजिए, और जो भी मैं वर्ड्स बोल वो आपको 2 times लिखने हैं. कितने टाइम्स? 2 times लिख लेने हैं. ओके, फिर 1 times आपको देखे बिना लिखना है. ओके ओके, चलो. तो नाउ लेट स्टार्ट. तो चलो, आपने इन वर्ड सुना होगा, इन, आई इन. चलो, आई इन, तो इनका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें किसी के अंदर हो, कोई भी डिब्बा, जार, बोतल, वाटर बोतल, कुछ भी ले लो आप, बेडशीट, टेबल, कुछ भी, तो उसके अंदर जो चीज़ रखी गई हो इसको हम क्या बोलते हैं, इन. आप बोलते हैं ना, इन द बुक बैग, मेरे बुक मेरे बैग के अंदर है, इस तरह से. तो यहाँ पे एक आप जार दी है आपको, और यहाँ पे अंदर क्या है, स्नैक. तो आप क्या बोल सकते हैं, इन द जार और स्नैक, जार के अंदर एक स्नैक है. ओके, चलो. अब नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे ओन, ओ एन. ओन का मतलब क्या होता है, ऊपर. ऑन द जार अ स्नैक, तो जार के ऊपर क्या है, स्नैक खड़ा है. तो आप देख सकते हैं ओन का मतलब क्या होता है, ऊपर. तो ऊपर किस तरह का होता है कि कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल वाटर बोटल, टेबल, बेंच, बुक्स है, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हो हमने, तो उसको बोलते हैं ऑन. ऑन द टेबल अ बुक, ऑन द जार अ स्नैक, तो जार के ऊपर एक स्नैक है. तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा. ओके, चलो, समझ में आ गया. इनका मतलब अंदर जो चीज़ें रखी गई है वो अंदर होती है वो. अब वाटर बोतल होती है तो उसके अंदर हम क्या भरते हैं, तो के पानी रखते हैं. तो पानी किसके अंदर है, तो के वाटर बोतल के अंदर. तो हम बोलते हैं ना, इन द वाटर बोतल वाटर, इस तरह से. ओके, नेक्स्ट हमने ऑन देख लिया, फिर हम देखेंगे अंडर. तो अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे. कोई भी एक फॉर एग्जांपल वाटर बोतल है, उसके नीचे हमने इरेजर रखा है. ओके, इरेजर आपका है, तो आप क्या बोलेंगे, अंडर द वाटर बोतल इरेजर. मतलब कि वो वाटर बोतल के नीचे क्या है, एक इरेजर है. तो यहाँ पे एक जार है, उसके नीचे स्नेक है. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर को कि अंडर होता है वो किस तरह का होता है, तो उसको मंडर बोलते हैं. मतलब कोई भी चीज़ हो और उसके नीचे कोई भी चीज़ रखी गई हो तो उसको बोलते हैं हम अंडर. ओके, चलो, आ गया समझ में अंडर का मतलब. तो आप देख सकते हैं इन, ऑन एंड अंडर. अब नेक्स्ट आपको दिया है इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ इट मीन्स इन फ्रंट, मतलब कोई भी जगह है, कोई पेड़, कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए डोर, फिर बड़ा कार्टून, उसके आगे जो चीज़ रखी हो तो हम क्या बोलते हैं, ऑन इन फ्रंट ऑफ. मतलब आप है, आपके मम्मा के आगे खड़ी है आप, तो इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप अपने मम्मा के आगे है, तो आप आगे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ. ओके, फिर पेड़ है, पेड़ के आगे एक काऊ है, काऊ खड़ी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ
ट्री और काउ, ओके इस तरह का। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। फॉर एग्जाम्पल झाड़ है, उसके पीछे काउ खड़ी है, तो बिहाइंड द ट्री अ काउ, तो मतलब कि वो झाड़ है, उस पेड़ है, बड़ा वाला पेड़ है, उसके पीछे एक गाय खड़ी है, ओके। पीछे, पीछे का मतलब इंग्लिश में होता है बिहाइंड, बिहाइंड, ओके। चलो अब नेक्स्ट है बी साइड। बी साइड का मतलब क्या होता है? चलो बी साइड, बी साइड का मतलब बाजू में। कहाँ पे? तो के बाजू में, पेड़ है उसके बाजू में, देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेड़ दिया है, ओके फॉर एग्जांपल, और उसके बाजू में एक स्नेक है, यहाँ पे आपको झाड़ दी है, तो झाड़ के बाजू में क्या है? स्नेक है, तो वो क्या हो गया? बी साइड, मतलब कुछ साइड में आजू बाजू में हो तो उसको हम बोल सकते हैं बी साइड। चलो नेक्स्ट है ऑन द लेफ्ट ऑफ। ऑन द लेफ्ट ऑफ इट मीन्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ इट्स मीन्स के वो झाड़ के लेफ्ट साइड, बाई साइड क्या है? तो के स्नेक यहाँ पे बैठा है, मतलब आप कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, कोई आपने कुछ सामान रखा है वो आपने लेफ्ट साइड रखा है, ओके लेफ्ट साइड रखा है एकदम पैक करके इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ, ओके। जो मान लीजिए कि आप के घर में एक टेबल है, टेबल के बाजू में आप बैठे हैं, तो टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल, ओके इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। फिर टू द राइट ऑफ, राइट ऑफ इट मीन्स आप किस तरह के बैठे हैं, तो के राइट साइड बैठे हैं, राइट साइड मतलब, चलो राइट साइड का मतलब क्या होता है? दाएं साइड, ओके दाएं बाएं, तो आप राइट साइड बैठे हैं, तो टू द राइट ऑफ। तो चलो आपको समझ में आ गया, इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब कोई भी बड़ा सामान हो, कोई भी चीज़ हो उसके नीचे, ओके। फिर इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे, बिहाइंड का मतलब पीछे, कोई भी सामान या कोई भी निडल के पीछे। बी साइड मतलब बाजू में। फिर टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ इट मीन्स बाजू में बैठ जाना। टू द राइट ऑफ इट मीन्स राइट साइड बैठ जाना, ओके। तो इस तरह से इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बीसाइड, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द राइट ऑफ, ये सब भी पिक्चर मैंने आपको पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सभी पिक्चर के नेम नहीं, आपको ये ड्राइंग नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग को देखना है, सिर्फ आपको ये जो वर्ड है वो सब भी आपको कितनी टाइम्स मैंने लिखने को बोला, टू टाइम्स, ओके टू टाइम्स लिखना है, और वन टाइम्स डिडक्शन करके आपको देखे बिना लिखना है। तो कितनी बार हुआ? थ्री टाइम्स, तो आपको थ्री टाइम्स लिख कर मुझे ग्रुप में भेज देना है, ओके। फिर आपको डिडक्शन आप करते हो वॉइस मैसेज भी मुझे बोल भेज सकते हैं, ग्रुप में आपको भेजना है, ओके। तो ताकि आप मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट को कैसा लगा मेरा वर्क, अच्छा लगा है, आपको समझ आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, इसीलिए, ओके बेटा। तो चलो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का लेक्चर में आज हमारा बेसिक वर्क था, न्यू वर्ड्स हमने सीख लिए, कौन से वर्ड आपको आगे अब जब लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपको कुछ दिक्कत ना हो, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बेसिक वर्क करते हैं, ओके। तो चलो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच बेटा।